नाजरीन सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मेजबानी हेठ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची कमेटी के साजिश करार दे रद कर छो कराची के सूबो छो मुतालबो सिंध की वहदत से हमलो करार दींदे सिंध खिलाफ थन्दड़ साजिशन के मुंह डे सिंध बचाव कमेटी कायम कई वही है। एस टी पी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी है तो कराची सिंध और सिंध कराची है उनके केर भी जुदा नो कर सके। सिंधी मानून के मुस्तकिल तौर से अड़न गैर आइनी गैर कानूनी कम रद्द करण खपे। वफाक की बदनीयती है तो कराची जो नालो वी कर सामुंडी हदन के कंट्रोल कई सिंध बलोचिस्तान के सामुंडी हदन के जब्ते में आए सिंध मुझी माव धरती माव हाँ इनके बुंजो अचण खपे हाँ इन के अगर भित थी असा सभी के गजी सिंधी कौम के उथणो पवो ए बीहण पवो जिनका पान पाँ वदानियत के पैं वतन के पैं वसील के बचा सी। बुनियादी तौर ही आलमी कुवतू रा उन आलमी उर्जत पर इदारा कराची के खिलाफ सिंध के खिलाफ भयानक साजिश पा कन। तरक्की पसंद पार्टी की मेजबानी हेठ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची कमेटी के साजिश करार दे रद कर छो कराची के सूबो ठाणवारो मुतालबो सिंध की वहदत से हमलो करार दींदे सिंध हुकूमत खिलाफ थन्दड़ साजिशन के मुंह डे सिंध बचाव कमेटी कायम कई वही है। एस टी पी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी है तो कराची सिंध और सिंध कराची है इनके केर भी जुदा नो कर सके। सिंध जो विरहागो पाकिस्तान के विरहण बराबर होंद कराची के वफाक हवाले करण खिलाफ आखिरी हद तींदी। हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी तरफा कराची के वफाक हवाले करने वाली साजिश वाले मामले से सिंध की वहदत की बकाल हटड़ी बायपास से डॉक्टर कादिर मक्सी की सदारत हेठ मकामी होटल में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोठाई वही। कॉन्फ्रेंस में नून लीग के सैयद शाह मोहम्मद शाह एस यू पी सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह रोशन बुरड़ो बलोच कॉम्परस अगवान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच जे यू आई जे ताज मोहम्मद नायू हाजी अब्दुल मालिक टालपुर मौलाना आजम जहांगीरी अवामी तहरीक के एडवोकेट सजाद चांडियो कौमी अवामी तहरीक के गुलजार जुमानी मजहर राहू जो अल्ताफ खास खेली शिरकत कई। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एस टी एफ ए जे प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी अवामी वर्कर्स पार्टी के जावेद राजपर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सिकंदर खान बशीर पख्तून जमायत इस्लामी के हाफिज ताहिर मजीद अब्दुल वहीद कुरेशी एस टी पी के जाम अब्दुल फताह समेत जो नामयारे दानिशवर जुल्फिकार हाले पोटो जुल्फिकार कादरी समेत बेन शख्सियतन शिरकत कई। एपीसी में गलहाइंदे एस टी पी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी तो वफाक पीपल्स पार्टी एम के एम से गडजी सिंध से कब्जे की कोशिश पो करे पर असा सब इन गाल से मुतफिक आयो तो सिंध असांजी माओ है सिंध जो विरहागो कें भी सूरत में कबूल न कर वो उन असा पाकिस्तान के घणन कौमन वो मुल्क समझू था अजोकी कॉन्फ्रेंस वफाक हुकूमत की कराची से कब्जे वाली साजिश के रद्द करे थी। कॉन्फ्रेंस में शरीक समूरी पार्टी सिंध के विरहागे के पाकिस्तान की तकसीम समझन थी। डॉक्टर कादिर मक्सी जो चवण हो तो मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेवार पीपुल्स पार्टी है इन के खराब कारकर्दगी सबब वफाक कराची से कब्जे की कोशिश पो करे असा इन गाल से मुतफिक आयो तो हि एक ढीह की जिदोजहद ना है असा सभी के सिंध की वहदत की बकाल डिघी जिदोजहद करनी है। सिंधी मानुन के इन सजे मामले ते मस्बत मोट दियन खपे जेकरे पीपल्स पार्टी जा आसरे छडींदा तो पीपल्स पार्टी सिंधिया सब टपड़ खाई वही है जेके रेल बचलन ये खाई हजम करे छडींदी वंड विरासत आगे पीपल्स पार्टी केड़ी खाना वारी हाँ बोई बलाऊँ बियों एम के एम आई पी टी आई उन्हें पैं वंड विरछ में हिस्सेदार ठाए छो तो हाँ तो सिंध के हरीडुम हथ को चढ़ इन कर सिंधी मानुन के मुस्तकिल तौर से अड़न गैर आइनी गैर कानूनी कम रद्द करण खपे आइन का मत कम जो खत्म थे खपन आइनी बुनियाद बस कराची समुंड पैसान वसीलान उनके हड़प करण सिंधी समझंदा तो असंख जंग में मिली वन चरन की फौज सिंधी मान शिकिल में पीपल्स पार्टी उनके लॉली पॉप दई मथे तरह की थदो कई सब माल खाई वेंदा पर इंशाल्लाह हाँ कौम जागी चुकी है इनके खाण को अजा कॉन्फ्रेंस हले पी पर मुझे ख्याल यो है इन कंसेंस पे वे तो एक मुस्तकिल कमेटी हो जाए सिंध बचाने के लिए तैरीक यह गाल थी का कमेटी ठही है वफाक के तरफा जी
निगरानी कंदी सूबाई हुकूमत जे कमन कारन के असी समझूं था तो यो गैर आइनी कदम आ गलत कम आ यो न करण घुर्जे ए याद करण घुर्जे तो हुकूमत में अगर उन्हें शामिल करणो आ अगर पीटीआई के शामिल करणो आ एमकेएम के शामिल आ भले शामिल कन हुकूमत में पर यो किया तो कमेटी वेही इन के हलाइंदी जेका हुकूमत का नथी हले सा वरी कमेटी की हलाइंदी या वफाक जी बदनीयती आ तो कराची जो नालो वठी करे सामुंडी हदन ते कंट्रोल करूं सिंध बलोचिस्तान जे सामुंडी हदन के जब्ते में आणियूं ऐं चाहिन था तो सूबाई जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म करें जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं वो खत्म करें उन्हें का पो इंटरनेशनल पो असी नेशनल बाउंड्रीज में जो जम कर छूँ पो टोटल पोर्ट्स जो अख्तियार हिंसर चाहे सी पोर्ट की सूरत में हुए या कें भी सूरत में हुए जो फायदो आ वरी भी वफाकी हुकूमत उन वफाक के हुकुमरान के मातहत हो कुछ को वफाक जो को वफाक जो अब्बा जन अमरीकी साम्राज वो है वफाक अबा जो वेठा वेचारो इमरान चाहे कुछ पिजी कुछ जगह इमरान वेचारो बेपाड़ो मू उनकी कड़ी हैसियत है वही बड़ी कठपुतली सारी जिंदगी रही छी सिंध अज तू सिंध बकार कड़ी हथ है पर लाइफ सिंध की रही छे सिंध मुझी माव धरती माव सिंध के मानू तर कुर्बान है ही अजोकी सिंध तरक्की पसंद पार्टी वन की मेजबानी में अजोकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी है इतने उनमें मुख्य जो एजेंडा हुई वो जो बिलखसूस सिंध के गादी के शहर कराची ते कब्जे बाबत गाल बोल थी आ दोस्तन मुख्तलिफ राया पेश किया उन्होंने असा भी इन राय जो इजहार किया है इन सजे जो सिंध की वहदानियत मथा जो हमलो है इनमें बदकिस्मती से सिंध मजा जो अक्सरियती चूंडियल पार्टी है पीपल्स पार्टी वह शामिल है हि रुगो एक तरफो हमलो को वफाक के तरफा पीपल्स पार्टी सिंध में जो 13 साल का हुकूमत पी कर उनका पिरकार संदस बदउनवान हुकूमत एक तो सबब वो पे जाना बो यो है तो पीपल्स पार्टी सिंध में जुलूस तो कदें भी दसी वफाक के हवाले सिंध को कंदी शहर पर सागे वक्त तुम ऐसो तो वजीर आला मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद वन था उतने फैसलो उतें तो थे इस्लामाबाद में सिंध की किस्मत जो जैमें पीपल्स पार्टी शामिल है हाँ इन बुंजो अचन खपे हाँ इन के अगर भित थी असा सभी के गजी सिंधी कौम के उथणो पवो ए बीहणो पवो जिनका पान पी वदानियत के पैं वतन के पैं वसीलन के बचा सी अज मकसद यो है त कराची के सिंध का जो अलग करण की साजिश कई वे पी उन कें सूरत में अस तस्लीम न कंदासीं कराची सिंध आ सिंध कराची आ कराची जुदा न थींदासीं चाहे जेतरो भी असें कुछ कुर्बानी देनी पे दींदासीं इन ला अस आवाम के जहन साजी कंदासीं उन कमेटी से जो फैसलो कंदी वो अस कंदासीं कराची में कमेटी आ फलान पीर ये सब साजिश आ सिंध धरती को बचाओ सिंध तरी की हिफाजत बलुस्तान धरती की हिफाजत सिंध धरती जो साहली पट्टी बलुस्तान धरती जो साहली पट्टी हिफाजत से सब तो फर्ज है इन लिए गड़ियल कोशिश क्यों गड़ियल जज्बे क्यों असा एक हूँ सिंध बलुस्तान में को फर्क बई मजलूम है बई दुतियाल है धरती के भी साजिश थे तो कौमी तशक् जो सिंधी बलू उन भी साजिन के मुकाबले करने गड़ियल जज्बे जो लाजमी है और जो कमेटी जो तवीज है उनके मौत क्यों सभी जो मुतफिका फैसलो है असा सिंध की तकसीम के खिलाफ आयूँ सिंध के वज जहा कायल आयूँ ए सभी गजी कर सिंध के एक इतिहाद ला स्ट्रगल कंदे जदोजहद कंदे सिंध के इंच इंच की हिफाजत फ्रेंड्स आ वो सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मेजबानी में अनाउंस कह बाकी मुख्य जो हो कराची जो तारीखी पसमंदर वो पेश किया जुलाई 1948 में जोरी सिंध का जुदा कयो वियो हो वरी सागे नमूने से असो यो चवा त हाँ कराची के हवाले से नॉन निगोशियबल हाँ इन बहस कर ना सके उनके रिफ्यूज कर पीपल्स पार्टी जै नमूने से ही पांजो कमेटी ठाई है वह 18th अमेंडमेंट के खिलाफ आ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आ सिंध की वहदत के खिलाफ आ इनके सो बिल्कुल रिजेक्ट असा ये समझू तो कराची के मसले से जो कमेटी ठही है उन कमेटी की कड़ी जरूरत है कराची में हिंसर गुजर 35 साल 40 का 50,000 मू एक दहशतगर्द तंजीम तरफा कत्ल कया वह उन कमेटी छो को ठही कराची में सवें औरतों जो इज्जतू लुटे उन्होंने छपाया वह उन कमेटी छो को ठही कराची में 12 मई जो 22 मई जो वाक्यो थो वकील के साड़ो वो इंसानी जानून का वधी का काब शे कान उन कमेटी छो को ठही बुनियादी तौर ही एकड़ी आलमी कुवतू रा उन बया आलमी मुर्जत पर इदारा एकड़ी कराची के खिलाफ सिंध के खिलाफ एक भयानक साजिश पा कन
पहरे मरहले में कराची के सिंध का अलग करे पाकिस्तान का अलग किया वो असि समझूं था ये मुल्की सालमियत के खिलाफ भयानक साजिश है। सिंधी मानुन के मुस्तकिल तौर से एडन गैर आइनी गैर कानूनी कमन जो रद्द करन खपे। या वफाक जी बदनीयती आ तो कराची जो नालो ठीक करे सामुंडी हदन के कंट्रोल करे सिंध बलोचिस्तान जे सामुंडी हदन के जब्ते में आए। सिंध मुझी माव धरती माव सिंधी मानुन ता सर कुर्बान हाँ इन बुंजो अचण खपे हाँ इन के अगर भित थी असा सभी के गरजी सिंधी कौम के उथणो पवो ए बीहणो पवो जिनका पा पानी वदानियत के पैं वतन के पैं वसील के बचा सी। बुनियादी तौर ही एक आलमी कुवतू रा उन बया आलमी रुजत पर इदारा एक कराची के खिलाफ सिंध के खिलाफ एक भयानक साजिश पाया कन।